आप सबका हमारे फूड चैनल में स्वागत है। सुशीला जी फूड रेसिपी में आज मैं आपके लिए किस तरीके से अच्छा चावल बनाया जाए, यानी कि आप जो रोज़मर्रा चावल खाते हैं उसे कैसे बनाया जाए, किस तरीके से बनाया जाए, चाहे कैसा भी चावल हो दिखने में अच्छा होना चाहिए, खिलखिला होना चाहिए और उसका फ्लेवर भी अच्छा आना चाहिए, बिल्कुल उसी से रिलेटेड मैं आज आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलिए देखते हैं आज की रेसिपी को किस तरह आपको बनाना है। देखिए यहाँ पर मेरे पास मैं आपको दिखा दे रही हूँ चावल है, आज हम इस चावल को बनाने वाले हैं। तो ये बासमती राइस है, मैं आपको बता रही हूँ उसे कैसे बनाना है। आज जो मैं आपको बता रही हूँ वो 6 लोगों के लिए बनाना बता रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेजरमेंट मैं आपको बता दूँ, मेरे पास ये छोटी सी स्टील की बाटी है, तो ये मैंने लिया है, इससे मैंने अपना चावल लिया है। तो यहाँ पर मैंने 4 कटोरी तक ये चावल लिया हुआ है और इसको फिर मैंने कर लिया था वॉश, यानी कि चावल को अच्छे से क्लीन कर लिया है। क्लीन करने के बाद मैंने देखिए इस तरीके से चावल को पानी से अलग करके रख लिया है, आपको दिख रहा होगा पूरा जो चावल है मैंने अलग कर दिया है। और यहाँ साइड में मैंने पानी गर्म करने रखा था, ये लगभग 2 लीटर तक मेरे पास पानी है जो कि अच्छे से उबल चुका है। मैंने पानी में ना ऑयल डाला है ना नमक डाला है, अभी कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ पानी उबल रहा था, उबल चुका है, गैस धीमी है मेरी। और अब हमें करना ये है कि हमने जो चावल धोकर रखा था उसे हम हमारे पानी में डाल देंगे। चावल डालते समय ध्यान दें कि आपके ऊपर गर्म पानी ना आए। देखिए यहाँ मैंने अपना सारा चावल ले लिया है यहाँ पानी में और उसे मैं अब मिक्स कर रही हूँ, अगर कहीं पैन में स्टिक हुआ हो तो। तो देखिए ये चावल अब मैं इसे ऐसे ही कुक करूँगी। आपको चावल ये चावल बनाते हैं आपको देखिए चावल बनाते समय काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती है कि चावल कई बार नया आ जाता है, जूना होता है तो डबल होने लगता है, पानी का मेजरमेंट काफ़ी अलग होने लगता है चावल के कारण नए जूने से। तो इससे देखिए मैं आपको जो ट्रिक बता रही हूँ आज चावल बनाने का, इसमें आपको ज़रा भी ध्यान नहीं देना है कि आपका चावल नया है या जूना है, ऐसा कोई भी इशू यहाँ नहीं आएगा। तो तब तक नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट ऐड कर लेते हैं। यहाँ मैं थोड़ा सा तेल ले रही हूँ, ये देखिए ये लगभग छोटा चम्मच होगा, 1 या 1.5 चम्मच छोटा चम्मच है तेल का, वो मैं यहाँ डाल रही हूँ। नया या जूना चावल हो आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इस तरीके से बनाएंगे तो चावल के दाने जो है वो खिले खिले और खुले बनेंगे, एकदम अच्छे से बनेंगे, ज़रा भी आपको दिक्कत नहीं होगी चावल बनाने में। और आगे और भी प्रोसेस है, मैं आपको वीडियो में पूरा प्रोसेस बताती रहूँगी। अब आपको करना ये है कि आपकी जो गैस की आँच है उसे रखना है तेज़ और ध्यान देते रहना है कि आपका जो चावल है वो उबले बिना लीड के। आपको अब इसको ढक्कन नहीं लगाना है, ये खुली आँच पे आराम से फास्ट गैस पे कुक होगा अच्छे से उबलने तक। मैं आपको बताऊंगा बीच में कि आपको कब क्या प्रोसेस करना है, इसे चला बीच बीच में चलाते रहना, छोड़ना नहीं है आप। तो देखिए मेरा चावल जो है वो उबलना बिल्कुल स्टार्ट हो गया, आपको दिख रहा होगा इसमें कितने अच्छे से उबाल आ रही है। और देखिए यहाँ पर चावल के दाने हैं वो पहले से बढ़ चुके हैं, लंबे हो गए लेकिन कुक नहीं हुआ है, हाफ़ कुक भी नहीं हुआ है, बहुत थोड़ा सा ही कुक जस्ट कुक होना स्टार्ट हुआ है। बिल्कुल इसी तरह मैं इसे पकने दूंगी, बीच बीच में चलाती रहूंगी, ध्यान देती रहूंगी कि मेरा चावल जो है वो ओवर कुक ना हो, क्योंकि आपको यहाँ पे पानी एब्जॉर्ब नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पर जो चावल के दाने हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, पहले से अच्छे से लंबे हो गए हैं और अभी इतना ज़्यादा कुक नहीं हुआ है, और कुक होगा। जब मेरा चावल हाफ़ कुक से थोड़ा कुक होगा तभी मैं इसका जो एक्स्ट्रा पानी रहेगा वो मैं निकाल दूंगी, यहाँ मैं इसका पानी एब्जॉर्ब नहीं करने वाली हूँ, हल्का सा पानी रखूँगी एंड में इसी बर्तन में ताकि इसको मैं स्टीम में कुक करने के लिए छोड़ दूँ, यानी उस वक्त मैं गैस ऑफ कर चुकी रहूँगी या थोड़ी देर के लिए धीमी आंच पे रहेगा। तो ये जो स्टेज है हम स्टेज पर इसमें नमक डाल रहे हैं, देखिए चावल में नमक डालने से उसका स्वाद अच्छे से आता है तो इसलिए मैं इसमें अब नमक डाल रही हूँ। आराम से चलाइए वरना आपके जो चावल है वो टूट सकता है, आपको ज़्यादा तेज़ी से नहीं इसको हैंडल करना है। आपको चला चला कर चेक करते रहना है कि आपको जो चावल का दाना है ओवर कुक ना हो, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ क्योंकि हमको इसका आगे एक और प्रोसेस है, एक और स्टेप है वो भी करना है। तो देखिए ये रेडी हो गया है मेरा चावल, अब मैं इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो करने जा रही हूँ अलग, इतने क्योंकि मैं इसको पानी एब्जॉर्ब नहीं करना है, इसको अलग करना है, ड्रेन आउट करेंगे हम, बहुत थोड़ा सा पानी रखेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने एक थाली ले ली है और उसी में एक स्ट्रेनर ले लिया है, ये देखिए इस तरीके से आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे ये मेरे पास
जो चावल था हमने कुक किया था उसको इसमें डाल के उसका एक्स्ट्रा पानी कर रहे हैं अलग। और अब मैं दिखा दूँ इसमें मैंने कितना सा पानी रखा है, बहुत थोड़ा सा पानी रखा हुआ है। उतने ही पानी में अपना पूरा का पूरा चावल डाल के ऐसे ही छोड़ दूँगी। तो यहाँ पे देखिए पानी अलग हो गया है इसमें से, और अब मैं इसको हटा लूँगी यहाँ से। देखिए मैंने गैस स्लो करके ऑन कर लिया है, और अब मैं इसमें जो पानी मैंने अलग कर लिया था चावल को, उस चावल को यहाँ से टोप में डाल दिया है। फैला लीजिए चावल को टोप में अच्छे से। यहाँ मैं इसे लीड लगा रही हूँ, और मेरा गैस जो है वो मैंने स्लो करके ऑन रखा। बहुत हुआ तो 2 से 3 मिनट तक मेरा गैस ऑन रहेगा धीमी आंच पर, उसके बाद मैं अपना फ्लेम ऑफ कर दूंगी और मैं आपको बताऊंगी उसके बाद कि आपका चावल कैसा बनकर रेडी है। देखिए चावल बनाते समय आपको इतना ही ध्यान देना है कि आपका जो भी पानी है उसे ड्रेन आउट ध्यान से करिए, और बहुत ही थोड़ा सा पानी आपको बचाना है लास्ट में, ताकि धीमी आँच पर एक हल्का सा हम उसे स्टीम दे दें, जो भी अगर वो थोड़ा सा भी कच्चा कहीं रह गया उसके लिए। और जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ आपको इसमें बिल्कुल भी ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं कि आपका चावल नया है, जूना है, पुराना है, कैसा भी चावल है, आप इजीली खुले खुले अच्छे चावल बना सकते हैं बिल्कुल इसी प्रोसेस से। वहीं हमने जो पानी अलग किया था चावल से, उस पानी को आप वेस्ट मत समझिए, एक्चुअली आप उस पानी को बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं। आप कोई ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना रहे हैं उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, आप आटा गूंद रहे हैं उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, दाल के लिए भी आप अगर दाल बना रहे हैं तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि चावल आपको तो पता ही होगा कि इस पानी में कितने सारे अच्छे अच्छे चीज़ें होती हैं हेल्थ रिलेटेड, जैसे कि प्रोटीन, कैल्शियम, पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट और भी कई चीज़ें हैं जो आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होती हैं। तो आप इसे प्लीज़ यूज़ करिएगा, इस वाटर को फेंकना नहीं। और आपको अगर इससे रिलेटेड रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको इससे रिलेटेड बहुत सारी रेसिपी बताऊंगी, लेकिन आज मैं आपको इससे रिलेटेड एक रेसिपी से बता दे रही हूँ, बना के नहीं बता रही हूँ, एज अ गाइडेंस मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे कि आप इसके जो पानी है उसे बिना इतने पे ही, मतलब बिना कुछ कुक किए, इसमें ऊपर से ऐड करिए, सूप की तरह आप ले सकते हैं सॉल्ट ऐड करके, या फिर सॉल्ट के साथ साथ आप ब्लैक पेपर, रेड चिली पाउडर, ये सब ऐड करके एज अ सूप की तरह आप इसे ले सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी कि हमारा चावल किस तरह से रेडी हुआ है बनकर। तो यहाँ पे मेरा चावल बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है, और मैंने अब कर लिया है अपने गैस को ऑफ, और अब मैं थोड़ी देर में आपको इसकी प्लेटिंग करके बताऊंगी। मैं आपको तब इसकी प्लेटिंग करके बताऊंगी कि जब मेरे चावल के अंदर जो स्टीम है वो थोड़ा कम हो जाए पहले से, यानी कि उसका वाफ जो है उसको वाफ में थोड़ी देर रहने देंगे। तो चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे स्टीम इसमें पहले से काफ़ी कम हो गई है, अब मैं आपको चला के दिखा देती हूँ। जी देखिए कितना खिला खिला बना है, कोई भी दाना उसमें स्टिक नहीं हुआ है। मैं आपको हाथ में लेके थोड़ा सा दिखा देती हूँ। ये देखिए इतना इजीली कुक हो गया है, ओवर कुक भी नहीं हुआ है, प्रॉपर कुक हुआ है। आपको चावल को देखने से पता चल रहा होगा कि चावल किस तरीके से बना है, बिना ज़्यादा मेहनत के, बिना ज़्यादा चिक चिक के आपको चावल एकदम अच्छा खूबसूरत सब बनकर खिलकर आया है आपका चावल। अगर आपको इसी तरीके से चावल बनाना है तो वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पे मैंने कर ली है अपनी डिश की प्लेटिंग। तो यहाँ पे आपको चावल का कलर भी देख के समझ में आ रहा होगा कि पैन में ज़रा भी मेरा चावल स्टिक नहीं हुआ है। अगर चावल स्टिक होता है तो उसका कलर कहीं ना कहीं चेंज हो जाता है, कहीं ना कहीं उसकी खुशबू जो है वो भी काफ़ी अलग से आने लगती है। तो बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हमने ज़्यादा ऑयल भी नहीं ऐड किया था, और ज़्यादा इसमें पानी का भी मगजमारी नहीं था, हमने पानी इजीली ड्रेन आउट कर दिया था, और जो भी चावल हमें अच्छे से चाहिए था जितना पानी उतना यूज़ किया है हमने। यहाँ पर चावल के पानी को वेस्ट भी नहीं होने दिया, दूसरे डिश में या दूसरी रेसिपी में यूज़ कर लिया। तो आज जो मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की, यानी कैसे आप बासमती चावल या कोई भी चावल को किस तरीके से अच्छे से अच्छा खिला बनाए, कितना अच्छे से उसको यूज़ करें, और उसका जो भी पानी है उसको भी रीयूज़ कैसे करें, वो मैंने सब आपके साथ शेयर किया है। कोशिश की है कि आज की जो ये चावल की रेसिपी है उसका एक से एक टिप मैं आपके साथ शेयर करूं, और आप उसे ज़रूर घर पर ट्राई करें, ताकि आपको भी बनाते वक्त इजीली हो, दिक्कत ना आए, और हमारा वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो।
मैं वीडियो बनाने के लिए हमेशा ट्राई करती हूँ कि आपके पास 100 से 100% दूँ, ताकि आप जब रेसिपी बनाए तो आपको भी रियलाइज़ हो कि हाँ, हमने यूज़फुल वीडियोज़ देखे, हमारे भी काम में वीडियो आ रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और थैंक यू फॉर सपोर्टिंग।